फरीदाबाद पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां वहां सड़कों के दोनों ओर भारी संख्या में लोगों ने देखने के लिए जमा हो गए। भारी संख्या में लोग अपने नेता को देखने के लिए पहुंचे तो कुछ से राहुल गांधी मिले भी। लेकिन इस भारी जनसैलाब में कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसकी शिकायत जब उक्त महिला ने दीपेंद्र हुड्डा से की तो दीपेंद्र हुड्डा काफी नाराज हुए और खुद बीच बचाव करने आ गए। दीपेंद्र हुड्डा ने इस मामले को लेकर पुलिस वालों से भी बातचीत की और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए स्थिति को सामान्य करवाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर कांग्रेसी नेता काफी खुश हैं, क्योंकि यात्रा को काफी जनसमर्थन मिल रहा है। जनसमर्थन को देख हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में भी जोश है। पंजाब के सी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।